नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जाने माने कृषि आर्थिकी विशेषज्ञ, फूड पॉलिसी एनालिस्ट देवेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आपका स्वागत है। शर्मा जी, देश विदेश आप खूब घूमे हैं, अगर मैं गलत नहीं तो 75 कंट्रीज आप घूम चुके हो, कई पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग्स आपने की हैं, मूल रूप से आप एक पत्रकार हैं। ये सब बातें करेंगे देश में खेती बागवानी का, किसान बागवान का क्या हाल है, ये बातें भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अपने बारे में बताइएगा। मूल रूप से कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ाई की? मूल रूप से मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ जी, और पालमपुर में मैंने मास्टर्स एग्रीकल्चर किया, और शिमला में मैं बतौर पत्रकार, जैसे आपने पहले कहा, इंडियन एक्सप्रेस का मैं यहाँ ब्यूरो चीफ था, बहुत साल हो गए अब तो। और उसके बाद जर्नलिज्म को छोड़ा मैंने, सोचा देखिए जर्नलिज्म तो 1990 के आसपास, 91 में जर्नल छोड़ चुका था मैं, और उसमें यह था कि भाई जर्नलिज्म तो ठीक है जो हमने किया, लेकिन एग्रीकल्चर की बात कहीं होती नहीं है, किसानों की बात कहीं होती नहीं, तो मुझे लगा कि मैं किसी को बोलूँ कि आप करिए, उससे अच्छा मैं खुद ही करता हूँ। तो वो मैंने एक पंजाबी में कहते हैं पंगा ले लिया और वो अभी तक चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है जी। तो मैं एग्रीकल्चर, किसान, इकोनॉमिक इश्यूज, ये इन सब पे एक ग्रेजुअली ग्रोथ आदमी की होती जाती है। जब आप पालमपुर में पढ़ाई कर रहे थे, कृषि की पढ़ाई थी, उस समय दिमाग में चीज़ें आई कुछ कौन सी बातें कि किसान के साथ ज्यादती हो रही है, किसान परेशान है या क्या? देखिए, जब तो एग्रीकल्चर किया तो स्टूडेंट के नाते वही जो पढ़ाया गया था हमें कि लैब टू लैंड होना चाहिए, किसान जो है वो हमें जब तक यहाँ से टेक्नोलॉजी नहीं लेगा तब तक उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी, ये सब बातें हमने भी सीखी। जर्नलिज्म में जब मैं आया तो मुझे एक बड़ा एडवांटेज हुआ। अच्छा, वो एडवांटेज मुझे कई बार, मुझे इंटरव्यूज जब मेरी होती हैं उसमें एक बार मुझे पूछा गया, एक अमेरिका के अखबार ने पूछा कि आपका जो ये सोच है एग्रीकल्चर के बारे में ये दुनिया से भिन्न क्यों है? तो मुझे समझ नहीं आया क्यों ऐसा है, लेकिन मैंने जब उसको सोचा तो मैंने कहा कि शायद वो जो 10 साल मैंने इंडियन एक्सप्रेस में गुजारे थे, सब्जेक्ट से आप वाकिफ थे, लेकिन पत्रकार होने के नाते जब वो चीज़ें देखी, वो एडवांटेज मिला मुझे कि मुझे अखबार ने इन्वेस्ट किया और मुझे ट्रैवल करवाया और देश भर में, तो मैं अकेला पत्रकार था जो देश भर में घूमता था, और वो घूम घूम के जो मुझे शिक्षा मिली, जो लर्निंग होती है, उसने मुझे झटका दिया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो रियलिटीज नहीं है, रियलिटीज कहीं और है, और है। तब मैंने अपना ये सोचा कि ये काम मुझे अब अपने कंधे पे लेना पड़ेगा, कि ये जो जो जिस जिसकी वॉइस कहते हैं ना, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, वो रोल अभी जैसे मुझे बहुत जगह एड्रेस किया जाता है इस तरीके से, शायद वो तभी बन चुका, तभी बन गया। आपने 91 में तिलांजलि दे दी एक्टिव जर्नलिज्म को जी, और जुड़ गए इस मोमेंट के साथ जी। अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बताइएगा, उनकी बिना पर क्या स्थिति है इस देश में कृषि की और किसान की? शशि जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो हम लोग शहरों में रहते हैं, जो टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है देश का क्या हाल है। आपको हैरानगी होगी कि जब आप देश में जाते हैं और ये 10% पॉपुलेशन को छोड़ दें जो शहरों में रहते हैं, तो आज हालात ये हैं कि मैं बहुत से इलाकों में बता सकता हूँ, अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग वो होगा कि अगर आप बिहार में जाते हैं, जब मुझे, मैंने जर्नलिज्म छोड़ा, एक्चुअली मुझे बहुत बार पूछा गया क्यों छोड़ा, मैं एक ज़िले में गया वहाँ पर तो एक महिला ने मुझे बताया कि वो एक रूट प्लांट पे निर्भर रहती है, उसका नाम है गेंथी। वो गेंथी जैसे पोटैटो होता है हमारा, आलू है, उसके ऊपर वो कांटे से लगे होते हैं, या मतलब जैसे रस्सियाँ सी होती हैं वो लगी होती हैं, उसको आप निकाल के, वो उसको पील करके, उसको काट के, उसको रात को वो पानी में रख देती हैं बहते पानी में, और उसमें सुबह वो बिटरनेस उसकी निकल जाती है, उसको वो खाती हैं, उससे इट किल्स देयर हंगर। वो 4-4 दिन भूख के बगैर रह लेती हैं वो प्लांट खा के, इसीलिए खाती हैं कि भूख ना लगे, भूख ना लगे। आप देखो कितनी बड़ी रियलिटी है। अच्छा, ये आप यहाँ बैठ के नहीं देख सकते, और जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही देश का जो दुर्भाग्य है कि ऐसा हालात हो रहे हैं, तो उसकी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। आप उड़ीसा में जाएं, आप छत्तीसगढ़ में जाएं, आप पंजाब में जाएं, पंजाब में आपको हैरान होगा कि आजकल के हालात में ऐसे भी कॉलेज हैं पंजाब में जहाँ पर बच्चे जो हैं अब उनको वहाँ पर मिड डे मील कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस ने, कुछ एक जो सोशल उसमें बिलीव करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि बच्चे भूखे आते हैं। नहीं, बातें तो ये होती हैं
कि 1,48,000 मीट्रिक टन अनाज सड़ भी रहा है, सड़ भी रहा, फिर पहुंच क्यों नहीं रहा ना गरीब तक? एक तो ये आपने यही सवाल है जिसके ऊपर आपकी चिंता रहती है। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले कितने 20 सालों में 3,20,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उसी मुद्दे पर आने वाला था ना। और ये रियलिटीज़ हैं। हम यहाँ सोचते हैं कि ये तो किसान निठल्ला होगा, इसको काम करना नहीं आता, इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, तो एक तो ये है। दूसरा ये कहते हैं कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भूख भी साथ में चल रही है। आज ये हालात हैं कि 58% किसान भूखे पेट सोते हैं। जो देश का अन्नदाता है वही भूखे पेट सोता है। तो आप बताइए मुझे कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, क्या ये जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, किसी भी दल की बात कर लें, तो क्या कुछ नहीं करते क्या? ये आपके साथ है, अगर ये सच्चाई होती कि कुछ कर रहे होते उस तबके के लिए, तो ये आज देश का सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन बदल गई होती। मैं यही से बात पे कहता हूँ कि देखिए, सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा स्लोगन है, लेकिन जब तक गरीब के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो आप कैसे सोचेंगे कि भाई देश का विकास होगा? आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक दो आपको डाटा देना चाहता हूँ। किसान के औसतन जो खेती से आए हैं प्रति हेक्टेयर 3,000 रुपये है, एक परिवार के 3,000 रुपये खेती से आए हैं। मान लीजिए 5, 7, 8, 6 सदस्य हो, और ये पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप सो कॉल्ड जी प्रोग्रेसिव जो स्टेट है, हाँ, हाँ। अगर आप देश का अपना ही इन्फॉर्मेशन देखें, डाटा देखें, तो 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में किसान जो परिवार है उसकी घर में जो उसने उपज रखी है, जो बाहर बेच दिया, दोनों को मिला लीजिए, तो 17 राज्यों में उसकी एवरेज इनकम साल की 20,000 रुपये है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा बहुत गंभीर होती जा रही है। ब्रेक के बाद देवेंद्र शर्मा जी से जानेंगे क्यों कर रहे हैं किसान आत्महत्या। असंगठित है क्या किसान? वैसे तो संगठन बने हुए हैं, तो क्या एक आवाज बन नहीं पा रहा क्या? किसान अपने अपने इलाके में तो हीरोज हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे जीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, विशेषकर महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में? और जब हम बात करते हैं वीट प्रोडक्शन की, तो प्रति हेक्टेयर USA और पंजाब की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बराबर। पैडी की बात करते हैं तो चीन के बराबर पंजाब, तब आत्महत्या क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और अगर आप फॉलो करते आए, हम लोग देखते हैं, सरकारें ये कहती आई हैं कि किसान, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए वो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कमज़ोर हो जाती है और इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। इनपुट्स महंगे, तो दोनों को नहीं, इनपुट्स महंगे हैं तो आउटपुट प्राइस, अगर प्रोडक्टिविटी ऊंची जाती है तो इसका मतलब है कि आपको उसका इकोनॉमिक गेन मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि भाई प्रोडक्टिविटी का उससे कम रिलेशन है, असली रिलेशन उसकी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको डिप्राइव करते हैं, आप उस जैसे किसान, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को अगर हमने 5वें वेतन आयोग पर आज रखा होता, तो आप देखिए, मेरा मानना कि आधे एम्प्लॉयज भी शायद आत्महत्या के रास्ते पे होते। अब तो सातवां आ गया। तो किसानों को हमने क्या किया हुआ है कि हम किसान को उसकी इनकम नहीं देना चाहते, वाजिफ उनके में जो बनती है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन उसको दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो कंज्यूमर को ज़्यादा उपभोक्ता पर भार पड़ेगा, तो इसलिए किसान को सारा बोझ दे दिया गया। अब जब उसको आपने डिलीवरी उस पर रखा हुआ है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। ये दोनों चीज़ें उल्टी चलती हैं, मतलब ये वैसे तो हम कहते हैं ना लिंक है इसका, लेकिन ये उल्टा लिंक है। उल्टा इस लिंक इसलिए, आपने बात कही है पंजाब की, ये बिल्कुल एक क्लासिक एग्जांपल है कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी जो पर हेक्टेयर है वो एक्चुअली अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, UK, इन सब की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी किसान, अगर देखें पंजाब में, तो 5, 6, 7 किसान रोज़ाना आत्महत्या कर रहे हैं। अप्रैल 1 से मई 13 तक, ये 43 दिन का पीरियड था, उसमें 72 किसानों ने आत्महत्या की है पंजाब में। कोई मान नहीं सकता कि पंजाब का किसान तो बड़ा खुशहाल होना चाहिए, बिल्कुल, जो हमारी इमेजिनेशन है ये, बिल्कुल ना, लेकिन वो भी आत्महत्या कर रहा है। उसको समझने की शायद हमने कोशिश उस तरीके से नहीं की जहाँ से करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर गेहूँ का दाम 1970 में 76 रुपये प्रति क्विंटल था, वो आज बढ़ के 1525 हो गया, वो तकरीबन 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है 45 साल में 46 साल में। जबकि सरकारी मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो 120 से 150 गुना बढ़ती है। हल क्या है फिर?
हल ये है कि हमने पैरिटी जिसको कहते हैं ना, आपने हर सेक्शन को अपना उसको इनकम दी है, किसान को नहीं दिया आपने, लेकिन अब आप समय आ गया कि आपको किसान को इनकम देनी पड़ेगी। किसान को इनकम देंगे तो उसका एग्रीकल्चर सारा प्रॉफिटेबल बन जाता है, वो आप देना नहीं चाहते। और फिर आप कहते हैं कि साहब ये क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा है, इसको निकाल के हम शहर में लाएँ। शहर में लाएंगे तो शहर आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक्सप्लोड हो रहे हैं। जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि उनकी वॉइस नहीं है, उनकी वॉइस बनना है, तो असंगठित है क्या किसान? वैसे तो संगठन बने हुए हैं, तो क्या एक आवाज़ बन नहीं पा रहा क्या? देखिए किसान संगठन तो है, मेरा ये कहना है कि किसान अपने अपने इलाके में तो हीरोज़ हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे ज़ीरो हैं। क्यों? आप देखें हिमाचल प्रदेश के संस्थाएं जो भी संगठन होंगे, पंजाब के होंगे, बड़े बड़े संगठन हैं, अपने वहाँ सब कुछ वो करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में पहुँचते हैं उनकी आवाज़ वो ज़ीरो हो जाती है। और आप देखिए जिस देश में 60-70 करोड़ किसान हों, उस देश में किसानों की आवाज़ ही ना हो, कोई बात ही ना हो, चर्चा ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 52% तो ऑफिशियली है। हाँ जी, और उसके साथ जुड़े हुए लोग भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो मेरा कहना 60-70 करोड़ के बीच में किसान हैं इस देश में, और उसके बावजूद भी किसान की दुर्दशा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो संगठित नहीं हो पाए। अब वो किसान सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती हो गई है या जो भी हुआ है पिछले लेसन लेके, कि अब एक मंच पर इकट्ठा हुआ जाए। पिछले दिनों आपने कोशिश भी की है? जी, हमने कोशिश की, शिमला में तीसरी उसका अधिवेशन हुआ था यहाँ पर, जिसमें किसान नेता बुलाए गए और बड़े बड़े संगठन के किसान नेता बुलाए गए, और वो तीसरी बार मैंने बताया आपको उसका ऑब्जेक्टिव ये था। करीब सभी राज्यों से, देश के करीब राज्य, मणिपुर से लेके केरला तक, त्रिवेंद्रम से केरला हो गया, लेकिन कोयम्बटूर से लेके डिक्लेरेशन का मैंडेट क्या? मैंडेट ये है बेसिकली कि हम लोग कैसे संगठित हो पाएँ, और एक 2019 का जो इलेक्शन आ रहा है उसको हम अब इस बार कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएँ। आज तक तो हुआ किसान तो दो ही रोल होते हैं उसके, आप जानते हैं, एक वोट बैंक है या वो लैंड बैंक है। अब हम चाहते हैं कि ये रोल नहीं है हमारे, हमारा जो रोल है कि हम इकोनॉमिक उसमें इस हालात में देश की इकोनॉमी कैसे बूस्ट दें, और सबका साथ सबका विकास जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर ये जो तबका है 60 करोड़ ये इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है। हिमाचल की बात करता हूँ, 80% एरिया अभी भी रेनफेड है, बाकी राज्यों में बुरी हालत है, मानसून लेट हो जाता तब दिक्कत है, ओला वृष्टि हो रही है, तो इन सब प्रॉब्लम से पार कैसे पाना है, ये मुद्दा है। आप तो एक विशेषज्ञ हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सरकार का मानना है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस ले आएंगे, क्रॉप इंश्योरेंस लानी चाहिए, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस एक चीज़ है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और हम और आप उसमें सब में शामिल हैं, कि आप शहर में देखिए, इंप्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकार में हो, देखिए घर उसका इंश्योर्ड होता है, उसका मोटरसाइकिल इंश्योर्ड है, कार उसकी इंश्योर्ड है, लाइफ इंश्योर्ड है, मेडिकल इंश्योर्ड है, उसके बाद भी उसको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन हम यहाँ सोचते हैं कि अब बीमा मिल गया, फसल बीमा मिल गया, तो उसके इकोनॉमिक हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, हम ये अश्योर करें ना कि पानी जो है होना चाहिए खेत के लिए, इसके लिए कैसे? ये तो नहीं, मैं आपसे पहले ये देख लें, पहले ही तो ये चीज़ होगा बीमे का, दूसरा उसमें यह है कि जो उसको इनपुट्स मिलने चाहिए वो बिल्कुल ठीक है, पानी मिलना चाहिए, लेकिन पानी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो मिलता है सोल्यूशन मिलता है कि साहब ये आत्महत्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर इरीगेशन 35% है, अगर ये 100% हो जाएगी या 70% हो जाएगी तो आत्महत्याएं कम हो जाएंगी। पर मेरा ये कहना है कि आप जैसे अपने हिमाचल की बात की है, हिमाचल में 80% इरीगेशन है, पंजाब में 98% इरीगेशन है, 98% इरीगेशन के बावजूद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका मतलब इरीगेशन का रोल तो होता है, हाँ जी, लेकिन उसका मतलब उससे ज़्यादा हमें कहीं देखना पड़ेगा कि क्या कारण है इसका, एग्रीरियन क्राइसिस क्यों है, और उसी पे हम सबका फोकस है। जो सम्मेलन हमने किया था शिमला में उसका भी यही एक ध्येय था कि भाई हम लोग एक नेशनल लेवल पर एक सोच अपनी भी बना लें कि क्या कारण है। उसमें हमने एक चीज़ सोची है, जो 2019 में कहीं इरादा तो नहीं कि इकट्ठे होकर कुछ करना है, ऐसा तो नहीं है? देखिए 2019 में क्या किसान सारे देश के एक मजा चिखाना है सबको, जो राजनीतिक दल है ऐसा इकट्ठा हो जाए। एक तो देखिए सोच ये भी आ रही है, मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ देश में किसानों की बने, ये भी बात हो रही है, लेकिन क्या उसके लिए हम सक्षम हैं अभी हमें नहीं मालूम। अभी तो ये 1.5-2 साल का पीरियड बीच में जो है तैयारी के लिए वो है, उसमें देखने के लिए। दूसरी बात ये है कि हम उस टाइम कैसे कैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि उस समय वो उसके बगैर गुजारा ना हो उनका, कि जब तक हम ये किसानों को ये श्योर नहीं करते हैं कि हम पावर में आने के बाद ये करेंगे, तब तक हम मतलब किसान कोई भी तरीका देखे कि उनको एक एक तरह का जकड़ में ले कि भाई ये हमें काम कर रहे हैं, क्योंकि 70 साल बहुत होते हैं। जो एक मांग और उठ रही है, कौन इंटरेस्ट होंगे वो, कि खेती की आमदनी टैक्सेबल हो, ये तो और मारने वाली बात नहीं हो जाएगी? हमें कोई दिक्कत नहीं टैक्स देने में। हाँ। हम ये कहते हैं कि आप पहले टैक्सेबल बना तो दो, सीधी बात है। देखिए आप आज आप कह रहे 3,000 रुपये आमदनी, धान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सरकार ने तय की है 1470 रुपये प्रति क्विंटल, हिमाचल में भी बहुत धान होता है,
1470 रुपये प्रति क्विंटल। हमारा ये मानना है कि एक्चुअली जो किसान की जो धान की कीमत होनी चाहिए वो 5100 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए अगर हम बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ पैरिटी करते हैं। तो आप 5100 रुपये दे दीजिए, फिर आप उससे इंटरेस्ट वो भी ले लीजिए, इनकम टैक्स भी ले लीजिए। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देवेंद्र शर्मा जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी नज़र में एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारे देश की इकोनॉमी में क्या अहमियत है? हमारे देश में हमें एग्रीकल्चर पे फोकस रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्री अब कहती है कि अगले 4 साल में हम 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। आपको हैरानगी होगी शशि जान के कि 30 करोड़ जॉब्स तो हमने आज़ादी के बाद नहीं क्रिएट किए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शर्मा जी, बहुत हो हल्ला हो रहा है साहब, फिस्कल डेफिसिट बहुत है, इसको कम्बैट कर कैसे करना है, चेक करिएगा कुकिंग गैस पे सब्सिडी कम हो जाए, और इसी कड़ी में किसानों पे मार पड़ने जा रही है, बातें हो रही हैं सब, खाद पे कम करिएगा, फर्टिलाइजर्स पे करिएगा, बाकी इम्प्लीमेंट्स पे करिएगा, तो क्या इससे? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये मेरे ख्याल से आम जनता को भी समझने की जरूरत है। जब भी कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट हमें वित्तीय घाटा जो है उसको कम करना है, तो ये लाजमी सबको समझ आता है कि भाई जो सब्सिडी है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो सब्सिडी खाद पे मिलती है, जो फूड पे मिलती है, जो स्पेशली PDS में जो मिलता है राशन, वो सब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है जी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात जो मैं बहुत दिनों से कहता है, वो उन्होंने अकेले ने कही है, जो इकोनॉमिस्ट देश के नहीं मानते थे, वही उन्होंने ये कही कि भाई सब्सिडीज गरीब आदमी की तो ठीक है, आप उस पर सबकी नज़र होती है, लेकिन जो अमीर आदमी को इंसेंटिव देते हैं वो भी सब्सिडी होती है, तो उस सब्सिडी को कम करने की कोई बात नहीं करता। आपको हैरानगी होगी कि 2004-2005 से अभी तक यानी 12 साल में सरकार ने 42 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है टैक्स कंसेशन के माध्यम से कॉरपोरेट्स को, कभी उसकी बात नहीं होती कि उसको कम किया जाए। लेकिन ये जो 2 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर फूड सबकी सब्सिडी मिला के है, सबकी नज़र उसके ऊपर है कि इसको ख़त्म करो, तो कहीं ना कहीं हमें देखना कि हमारे देश में ऐसा क्यों होता है जी। अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, आपको हैरानगी होगी अमेरिकन फार्मर और यूरोपियन फार्मर्स आर दी मोस्ट सब्सिडाइज इन दी वर्ल्ड, और वो सब्सिडी अगर उनको ना दी जाए तो वो कलेप्स करता है एग्रीकल्चर। हमारी एक देश की अनटेड यूनाइटेड नेशंस की संस्था जो है अनटेड इंडिया, उसकी रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका की सब्सिडीज हटा दी जाए एग्रीकल्चर की तो वहाँ का एग्रीकल्चर कलेप्स कर जाता है। इसका मतलब है कि वो एग्रीकल्चर सस्टेन ही सिर्फ इसी वजह से सब्सिडीज पे हो रहा है, और हमारे देश में कहा जाता है कि अब सब्सिडीज हटा दो। हमारा कहना है कि नहीं, सपोर्ट सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क और जो कहते हैं नेट जो है वो बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए भी और खेती में, उसको कम करना। अब तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलता है, न्यूनतम मूल्य मिलता है, उसको सब्सिडी गिनता है WTO, और उसको कहा जा रहा है कि इसको हटाइए, तभी आप देखेंगे हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने की बात हो रही है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हट जाएगा तो किसान को मुझे बताइए दाम जो हम कहते हैं ना वाजिब दाम, वो कौन देगा? आज तो अब कम से कम मिनिमम सपोर्ट तो प्राइस मिलता है ना उसको, फिर तो आप बाजार के हवाले हो गए। तो ये हमें कहीं सोच को उसको दोबारा उसको सोचना पड़ेगा कि ये हम लोग आपकी नज़र में जी एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारे देश की इकोनॉमी में क्या अहमियत है? देखिए अभी तक तो ये लोग कहते हैं, हमें जो हमें सोचते सुनते आ रहे हैं वो ये है कि 13% को पहले अब 15% कर दिया है GDP में शेयर जो गिनते हैं, मुझे लगता है कि उसको नहीं देखना चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगर 70% जो पॉपुलेशन है आज देश की वो अगर एग्रीकल्चर या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर बेस्ड है, तो इसका कितना बड़ा रोल है आप स्पष्ट है। तो हमारे देश में हमें एग्रीकल्चर पे फोकस रखना पड़ेगा, लेकिन सोच इकोनॉमिक ये है कि इन लोगों को निकाल कर हम शहरों में ले आएं। तभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री अब कहती है कि अगले 4 साल में हम 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। आपको हैरानगी होगी शशि जान के कि 30 करोड़ जॉब्स तो हमने आज़ादी के बाद नहीं क्रिएट किए। अब ये है कि इनको निकालिए गाँव से, गाँव से निकाल के शहरों में जो आएंगे, ये दिहाड़ी मजदूर जो है ना, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, रिटेल्स जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, रिटेल इस्टेट बढ़ रहा है, तो उसके जो रियल इस्टेट बढ़ रहा है, उन सब के लिए जो लेबर की जरूरत है उसको हम जॉब एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये जॉब एम्प्लॉयमेंट को हम देखिए, इसलिए आपने कहा था महत्व क्या है इसका, मेरा ये कहना है कि आज अगर एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो देश की इकोनॉमी को रीबूट कर सकता है, क्योंकि आज जॉब क्रिएशन पिछले 12 साल में मात्र 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जबकि हर साल 1.5 करोड़ होने चाहिए थे। बिल्कुल। तो आज अगर जॉब क्रिएट हो सकते हैं या जॉब हैं, उसको गेनफुली कैसे एम्प्लॉयमेंट की जाए, उनको कैसे उसको और इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए, वो एग्रीकल्चर है। गाँवों से पलायन रोकना है, ये भी बड़ी बात है।
लेकिन नीति जो निर्धारक हैं हमारे अभी के नहीं, इंटरनेशनल और नेशनल सोच है, वो ये है कि जब तक गांव से लोगों को शहरों में नहीं प्लान करवाओगे तब तक वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। मेरा मानना है कि ये गलत है, हमें उल्टा करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाया जाए ताकि लोग जो है शहरों से प्लान जो है गाँव से शहरों की जो प्लान करते हैं वो ना करें। शहर इतने बढ़ रहे हैं, इतने आप जो है ओवरलेडन हो रहे हैं, शहर कोलैप्स कर रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट का मॉडल नहीं होना चाहिए। हिमाचल के एप्पल की बात करता हूँ, आप जानते हैं हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ है, लेकिन WTO की मार, इंपोर्ट ड्यूटी जी, बाहर से एप्पल आ रहा है सस्ता पड़ रहा है, फिर यहाँ का एप्पल कौन खरीदेगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। ये इतना सेंसिटिव सवाल है, अब इसको भी अगर हम मेक इन इंडिया और ग्रो इन इंडिया के हिसाब से देखें वहाँ भी देख सकते हैं। और दूसरा आपने जो बताया है कि देखिए अब आज इस पर कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है हिमाचल में, अगर आप हमारे ये जो किसान हैं जो अगर बाहर से सस्ता आएगा एप्पल आएगा तो ये अपने एम्प्लॉयमेंट से बाहर होंगे, खेती से बाहर होंगे, तो ये जॉब आप लॉस क्यों कर रहे हो? जॉब लॉस ग्रोथ तो नहीं होनी, जॉबलेस ग्रोथ जिसको कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट हमें और क्रिएट करनी चाहिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात नहीं तो अनरेस्ट होता है यूथ में, होगा बढ़ेगा तभी क्राइम बढ़ता, बिल्कुल बढ़ेगा। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका में जो एप्पल है वो चाइना से लेके इंपोर्ट करते हैं, वो जो उनका वाशिंगटन एप्पल है जो कि वहाँ नहीं वो खाते वो भारत में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ ड्यूटीज़ हम कम कर रहे हैं, 50% ड्यूटीज़ जो होनी चाहिए हम कम कर रहे हैं, उससे क्या कि हमारे यहाँ फ्लड आ रहा है, जो फ्लड आ रहा है वो हिमाचल के एप्पल, हिमाचल में भी अब देखिए अगर वाशिंगटन एप्पल बिकते हैं हिमाचल में तो हिमाचल के एप्पल की कौन कहाँ जाके डिमांड रहेगी? तो हमारे को चाहिए ये कि हम बाहर से जो आ रहा है प्रोड्यूस उसको रोकें और अपने देश की जो अच्छी प्रोड्यूस है, अच्छी क्रॉप है हमारे देश की, उसको क्यों नहीं हम प्रमोट करते? उससे लाइवलीहुड बढ़ता है और स्टेट की इकोनॉमी बढ़ती है। आप 75 देशों में गए, क्या अनुभव रहा आपका विज आर कंट्री? लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें ब्लाइंडली उन देश के मॉडल को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि दिक्कत हमारी परिस्थिति अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है, हमारी कंडीशन अलग है, हमारा देश के आगे फ्यूचर भी हमारा देखें वो भी अलग निकलता है। क्योंकि हमारे देश में आज अगर आप ये मान के चलें जो वर्ल्ड बैंक हमें कहता है कि 40 करोड़ लोगों को गाँव से शहरों की तरफ लेके आइए, वो अमेरिका में ठीक हो सकता है लेकिन हमारे देश में आप सोचिए कैसे होगा 40 करोड़ लोग आप शहर में लाएंगे, आप देखिए क्या हमारे देश का विकास मॉडल होगा अगर ये होगा। बाहर के देशों में कि हमें उसे सीखना है कि आज क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, आज जो कंटेमिनेशन पानी की, पर्यावरण की, वो सारी जो मॉडल है अगर वही हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हमें कम से कम हमने सबक क्या लिया, हमें उनके चैलेंजेस को उसको देख के कि क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बोरो नहीं करनी है, हमें सबक लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम वहां से चीजें लाना चाहते हैं, अपनी चीज देना चाहते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको, यहां पर आपको हैरानगी होगी, हम लोग जो वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करते हैं हिमाचल में भी होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट हम अमेरिका से लेके आए थे जिसको रिच टू वैली कहते हैं, कोई बात नहीं हम ले आए, हमने ब्लाइंडली सारे देश में फॉलो कर दिया। आपको मैं जब पीछे अमेरिका जाता हूँ तो मैंने देखा कि अमेरिका के टेक्सास AM यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो जो है वो तमिलनाडु का सिस्टम वहाँ फॉलो करते हैं। हमें खुद नहीं पता तमिलनाडु में क्या होता है, हमें खुद नहीं पता हिमाचल प्रदेश में क्या वाटरशेड सिस्टम है, हम अमेरिका से लेके आते हैं। तो हम अगर अपनी लोकल पद्धतियों को हम प्रमोट करें, ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज हैं, तो हमारी बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है। एक और मैं उदाहरण दूँ छोटा सा, हमारी गाय हम गाय प्रधान देश हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन कभी आप भी सोचते होंगे कि हमारी गाय सड़कों पर घूमती हैं, क्या हमारी गाय निकम्मी है देसी नस्लें जो हैं? आपको हैरानगी होगी कि ब्राज़ील हैज़ नाउ बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउस, हमारी नस्लों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आज ब्राज़ील बन गया है। हमारी गिर, हमारी साहिवाल, आपकी राठी, ऑनगोल, वो ब्राज़ील एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारी नस्लें हैं वो। तो इसका मतलब है कि कहीं हम ब्लाइंडली चल रहे हैं ना, क्यों नहीं अगर हमने उनको बिल्डअप किया होता तो हमारे देश की नस्लें जो हैं आज ये सड़कों पर नहीं घूमती। और ये आपको दूध की मात्रा कहते हैं, हमारी देसी गाय जो है 2 किलो दूध देती है, हिमाचल में सुनते हैं आप 3 किलो दूध देती है, हमारी जो गिर गाय है ब्राज़ील में 73 लीटर दूध देती है, हमारे देश में आपको मिलेगी नहीं जो 20 लीटर भी दूध देती हो। तो हमने जहाँ फोकस करना चाहिए था वहाँ नहीं किया, हम बाहर के ऊपर ध्यान दिया, हम अपनी पद्धतियों को भी अपनाएं, उससे लाभ होगा। शर्मा जी आपने ETV के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा करते हैं कि आप अपने एंडेवर्स में कामयाब होंगे, किसान इस देश का खुशहाल होगा, रिच होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।